इस वक्त की दुखद समाचार सामने आ रही है, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस वक्त की दुखद खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की दुखद समाचार हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बता दें उनका उपचार चल रहा था एम्स दिल्ली के हॉस्पिटल में, चल रहा था एम्स में, जहां पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस वक्त की दुखद समाचार हम आपको दे रहे हैं, जहां पे सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। बता दें लंबे समय से बीमार से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, जहां 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस वक्त की दुखद समाचार हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं। बता दें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में उनका, बता दें सीपीएम की महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। इस वक्त की दुखद समाचार हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त की दुखद जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बता दें काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और सीताराम येचुरी 72 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस लिए हैं। इस वक्त की दुखद जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां एम्स में उनका इलाज चल रहा था, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 72 साल की उम्र में। इस वक्त की दुखद जानकारी हम आपको दे रहे हैं।